हेलो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरओ एआरओ का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। आदित्य योगीनाथ यानी हमारे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी पुष्टि कर दी है। तो ये बात 100% श्योर हो चुकी है, एग्जाम कैंसिल हो चुका है। अब आप लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं, उन कमेंटों के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पाएंगे, कुछ दोस्तों ने ये प्रश्न पूछा कि क्या इसके फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे। कुछ दोस्तों ने ये प्रश्न पूछा क्या अब एग्जाम सब लोग दे पाएंगे, यानी जिन्होंने एग्जाम दिया था वो एग्जाम दे पाएंगे या जिन्होंने फॉर्म भरा था वो एग्जाम दे पाएंगे। कुछ लोगों का एग्जाम छूट गया था तो ये प्रश्न आ रहा है कि क्या वो भी एग्जाम दे पाएंगे। आगे दिया गया कि एग्जाम डेट क्या हो सकती है, तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, फुल इंफॉर्मेशन वाली ये वीडियो होने वाली है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, इस वीडियो को पूरा देखें। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप में से किसी भी भाई का, किसी भी बहन का, किसी भी प्रकार का कमेंट या कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। आप सभी के कमेंटों का रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगामी जो भी वीडियो हमारी आए वो आप सभी के पास समय से पहुंच जाए। आप सभी मित्र टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जिससे कि यूपीपीएससी से संबंधित टेस्ट सीरीज, क्विज वगैरह जो भी होगी आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए मित्रों, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया, नंबर एक पर आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे। तो मैं दोस्तों बता दूं, इसके फॉर्म दोबारा नहीं भरे जाते। जब भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आरओ का ही एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, जब भी एग्जाम होता है तो उसके फॉर्म कभी नहीं भरे जाते। ठीक है, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे। तो अब इसके फॉर्म दोबारा नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया, क्या अब एग्जाम सब लोग देंगे। जैसे बहुत सारे मित्र ऐसे थे कि जब एग्जाम 11 फरवरी को ये हुआ था तब बहुत सारे मित्रों ने ये एग्जाम नहीं दिया था या नहीं दे पाए थे, कोई मजबूरी हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, इस वजह से उन्होंने एग्जाम नहीं दे पाए थे। तो अब ये प्रश्न आ रहा है, क्या ये सभी व्यक्ति एग्जाम दे सकते हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, और जिन लोगों ने 11 फरवरी को एग्जाम नहीं दिया क्या वो भी दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है चाहे उन्होंने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, अब आप सभी को मौका मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन सभी को मौका मिलेगा। तो आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, कोई भी समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो देखिये आयोग की मुख्यमंत्री जी की तरफ से यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि 6 महीने में एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, 6 महीने में एग्जाम करा लिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपने ट्विटर पर बोला गया। बट हम अब यहाँ पर हमें श्योर नहीं हो सकते कि एग्जाम किस तारीख को होगा, कोई डेट क्लियर नहीं है। हालांकि ये पता है कि आने वाले समय है जून या जुलाई, उम्मीद ये रहेगी कि जून में आपका एग्जाम हो जाए। अगर जून में नहीं होता तो उम्मीद रहेगी कि जुलाई में एग्जाम हो जाए। तो जून जुलाई के आसपास आप मानकर तैयारी कर सकते हैं कि आगामी 4 महीने में हमारा एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम 6 महीने बोला गया है। तो उम्मीद ये रहेगी कि आने वाले, जैसे ही इलेक्शन होता है, इलेक्शन के जस्ट बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास जो समय बचा हुआ है, लगभग आप 5 महीने का समय मान के तैयारी करें कि 6 महीने बोला है, तो लगभग 4 या 5 महीने मान के तैयारी करें, अधिकतम ज्यादा समय ना माने, आगामी 3-4 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है तैयारी कैसे करें। तो जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता होगा कि हम अपने कुछ स्पेशल लोगों के लिए यहाँ पर, जो हमारे ग्रुप से पेड बैच से जो जुड़कर तैयारी करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी मौका है, और आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर मौका होगा कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हम हिंदी और जीएस और करंट अफेयर के लिए, तीनों के लिए इस बार एक टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, जो कम से कम शुल्क पर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें आपकी बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया जाएगा आरओ एआरओ के नए पैटर्न के आधार पर। जैसा कि अभी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं पैटर्न के आधार पर हम आगे आगामी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत जल्द सोमवार से आपकी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, आगामी जो सोमवार होगा, जैसे हम मंडे बोलेंगे, तो मंडे से हमारी जो टेस्ट सीरीज आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अगर अब भी आपका कोई भी डाउट बचा हुआ है, किसी भी मित्र का, किसी भी भाई का, किसी भी बहन का इस एग्जाम से संबंधित, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें, जिससे कि आपको पल पर की अपडेट वहां पर मिलती रहेगी, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको वहां मिलती रहेगी, क्विज वगैरह आप वहां पर सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।